अगली खबर न्यूजीलैंड विच कहर ढा रहे समुद्री तूफान नाल संबंधित है। न्यूजीलैंड विच समुद्री तूफान गैब्रियल ने कहर ढा दिता है अते कई थावां ते हवा की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। 60,000 तो वध करां दी बिजली गुल हो चुकी है अते समुंदर किनारे रहिंदे लोकां नूं सुरक्षित टिकाणियां ते पहुँचाया गया है। ऑकलैंड शहर विच हवा की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई, जबकि तूफान का सब तो वध असर न्यूजीलैंड के उत्तरी हिस्सों विच देखा गया है। पिछले 24 घंटे दौरान ऑकलैंड विच 4 इंच बारिश हो चुकी है अते समुंदर विच पानी का पद्धर तेजी नाल वध रहा है। न्यूजीलैंड के मौसम विभाग मुताबक आने वाले 24 घंटे मुल्क वास्ते बेहद अहम होंगे अते होर ज़्यादा तबाही होने तो इनकार नहीं किया जा सकता। लोगों को घरों तो बाहर ना निकलने की हदायत दी गई है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस ने तूफान को खतरनाक करार देंदयां 60 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। तूफान कारण हालात होर बिगड़न के मद्देनज़र सरकार एमरजेंसी का ऐलान करन बारे सोच रही है। न्यूजीलैंड के इतिहास में यह तीजी बार होगा जो समुद्री तूफान कारण एमरजेंसी की नौबत आई। इत्थे दसना बनता है कि 30 जनवरी नूं भी न्यूजीलैंड विच भारी बारिश होई सी अते इस मगरों हड़ आ गए। घरां विच पानी दाखल होण अते सड़कां ते आवाजाई ठप होण दरमियान ऑकलैंड विच 4 जणियां दी मौत होई सी। ब्यूरो रिपोर्ट हमदर्द टीवी।